नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज मैं फिर से आपके सामने रैंडम कुछ स्टॉक के बारे में अपडेट्स आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि जितने सारे कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और इस अपडेट आपको देखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट के ऊपर आप काम करते हैं तो हमेशा आपको अपडेट होना चाहिए। तो इसीलिए मैं सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10 मिनट के अंदर सारे डेटा को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल के माध्यम से स्टॉक मार्केट अपडेट पाना चाहते हैं, कोई भी स्टॉक के बारे में, न्यूज के बारे में जानना चाहते हैं, तो कंटिन्यू करिए इस चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ आप ज्यादा अपडेट पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो फर्स्ट जो कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। ठीक है, आज के दिन मार्केट तो भारी भरकम गिरावट, मतलब करेक्शन दिखाया था। निफ्टी में देखेंगे तो करीबन 1.39% के आसपास गिरावट हुआ। लास्ट वन मंथ का डेटा दिखा दूं, अगर मैं 5 दिन का डेटा दिखा दूं तो 3-3.5% के आसपास करेक्शन देखने को मिला। और इस सिचुएशन में बाकी कंपनी का भी हालत खराब होगा। तो इसीलिए देखिए, फर्स्ट जो कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। देखिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर बहुत सारा कमेंट्स मुझे आते रहते हैं कि एक केमिकल सेक्टर कंपनी है। और देखिए, केमिकल का हालत जिस तरीके से खराब सिचुएशन में केमिकल कंपनी को देखने को मिला है, और भी सिचुएशन कुछ बिगड़ता हुआ देखने को मिला है। अभी फाइनली कंपनी का जो मार्केट कैप है 6,000 करीबन 7,000 करोड़ के आसपास है। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो जब उसको स्मॉल कैप टाइप कंपनी होता है तो जब मार्केट गिरावट होता है उस टाइम में स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप टाइप का हालत और भी बिगड़ जाते हैं। अगर इसका 5 दिन का डेटा दिखा दूं तो ऑलमोस्ट देखिए 10% के आसपास गिरावट हुआ। तो फाइनली इसका हम लोगों का इंतजार था वो फाइनली आ चुके हैं, मतलब कंपनी का रिजल्ट आ चुके हैं। तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ, एक झलक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, कंपनी का जो रिजल्ट है वो मिलियन में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट कर दूंगा। आप सिर्फ फिगर देखिए, कंपनी का जो पिछले इस बार जो कंपनी का सेल्स हुआ 6,600, पिछले बार 7,300 था। पिछले ईयर्स में नेक्स्ट ईयर में मतलब सॉरी प्रीवियस ईयर में कंपनी का 6,500 था। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करें तो टोटल जो एक्सपेंस है यहाँ पे 6,400, 6,700, 6,400, इसका मतलब एक्सपेंस भी कंपनी को कंट्रोल में देखने को मिला। अभी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है अब देखेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 110, इसका मतलब कंपनी टोटल 11 करोड़ का प्रॉफिट किए, जो पिछले बार कितना था 38 करोड़ का प्रॉफिट, और पिछले साल में कितना था सिर्फ 8 करोड़ का प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अच्छा खासा प्रॉफिट किया, मगर क्वार्टर क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। इसका मतलब कंपनी का जो एस्टिमेट है उसको बीट नहीं कर पाए। तो इसमें थोड़ा सा इस कारण की वजह से मार्केट के ऊपर थोड़ा सा हलचल हो सकते हैं कल के दिन। तो शेयर के ऊपर फोकस रखिए, ऐसे नहीं कि कल जाकर ट्रेड मत कर लेना, बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। कभी भी किसी कंपनीज के इवेंट में कभी भी ट्रेड मत करना, जहां पे आपको बिग प्रॉफिट भी हो सकते हैं, बिग लॉसेस भी हो सकते हैं। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। अभी नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है टीटीएमएल। देखिए, टीटीएमएल टाटा ग्रुप के एक टेली सर्विसेज कंपनी है, जिसके ऊपर मैं बहुत बार बोल चुका हूं, अगर आप इस कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, तो इंट्राडे अगर ट्रेड करते हैं तो ठीक ठाक है, अगर आप इस कंपनी के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं तो भी ठीक है, और अगर इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के काम करिएगा, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का लॉस को मेंटेन कर रहा है और इस बार भी बिग लॉसेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अभी देखेंगे तो टाटा टेली सर्विसेज जो है वो स्टैंड अलोन जो सेप्टेम्बर का जो रिजल्ट है, इस बार का जो रिजल्ट है, नेट सेल्स एट 286 करोड़, इतना तो ठीक ठाक था, कितना अप हुआ है 3.3% के आसपास। तो इस बात को देखकर आप खुश मत हो जाना कि सेल्स बहुत अच्छा हुआ है, कंपनी का सेल्स तो अच्छा हुआ मगर कंपनी का प्रॉफिट क्या है, अभी भी लॉस। तो कंटिन्यूअसली कंपनी लॉस को करते जा रहा है, पिछले सालों में जो लॉस था उससे भी ज्यादा कंपनी के इस बार लॉस देखने को मिला। पहले इसीलिए मैं जरूर कहूंगा टीटीएमएल के ऊपर आप एज ए लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन आपको दिखेगा, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। तो इस तरीके से कंपनी से मेरे हिसाब से संभल कर आपको कुछ डिसीजन लेना चाहिए, और मेरे हिसाब से आप नया इन्वेस्टर है तो दूर रहिए इस तरीके से कंपनी से, आपको बहुत बड़ा रिस्की जोन में देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं वो है अदानी ग्रुप की कंपनी एसीसी। देखिए, एसीसी में आज के दिन मार्केट क्लोजिंग होने से पहले एक पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। इसके पीछे कारण भी है क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे सामने लेके आया है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हुआ है, मतलब डाउन साइड में देखने को मिला, कितना 16.8%, और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी को 388 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला, और ईयर ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट जो है वहां पर थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। अभी इसको मैं
यहाँ पे दिखा दूं, दिखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स है वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में इंक्रीज हुआ, मगर क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे प्रॉफिट के बारे में बात करूं, देखिए पिछले बार सेल्स नेगेटिव में था, इस बार प्रॉफिट आया, तो इसी के कारण क्वार्टर को तो बीट नहीं कर पाया मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में नेगेटिव मतलब लॉसेस से कंपनी प्रॉफिट किया, और इसी के कारण शेयर के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला। तो एसईसी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, इसके ऊपर हर्षद मेहता के टाइम से ही कुछ सीनरियो बहुत सारे देखने को मिला, तो मुझे लगता है इस तरीके से कंपनी से आप अगर फ्रेश इन्वेस्टर है, अगर आप रिक्सी इन्वेस्टर नहीं है, तो इस तरीके से कंपनी से मेरे हिसाब से थोड़ा सा दूर रहना ठीक होगा। देखिए आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, मैं खुद के ओपिनियन के हिसाब से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा काम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करना है, काम आपको करना है तो आपके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, आपको रिस्क को मैनेज करके काम करना पड़ेगा। और मेरे तरफ से सिर्फ एडुकेशन पर्पस में सारे डिटेल्स को सीखिए जानिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एशियन पेंट। देखिए एशियन पेंट के ऊपर लास्ट 5 डेज में दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर उतना करेक्शन नहीं हुआ था, आज के दिन कंपनी के ऊपर बिग करेक्शन देखने को मिला, करीबन 3.59% के आसपास, ऑलमोस्ट 3.5% का करेक्शन देखने को मिला है। तो इतना बड़ा करेक्शन होने के पीछे रीजन कौन सा है, देखिए कंपनी का आज के दिन रिजल्ट फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं, आप देखेंगे तो एशियन पेंट क्वार्टर टू का रिजल्ट जो है नेट प्रॉफिट रेज 53%, अच्छी बात है, करीबन 1230 करोड़ के आसपास, मगर एक पॉइंट के कारण कंपनी के ऊपर मार्केट में क्रैश देखने को मिला। इस शेयर में क्रैश देखने को मिला एक ही कारण के वजह से, मिस एस्टिमेट। इसका मतलब जो एस्टिमेट किया जाता है उस एस्टिमेट को यहाँ पे मिस कर चुके हैं, तो जब भी कोई एस्टिमेट को मिस किया जाता है तो वहां पे कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट एक आशा रखकर चलते हैं कि इतना प्रॉफिट आ सकते हैं, इतना सेल हो सकते हैं, तो वो आशा के अनुपात से देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो पॉजिटिव नहीं देखने को मिला। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। देखिए इसके ऊपर भी आज के दिन क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट हो चुके हैं, क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुके हैं, और रिजल्ट आने के मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद ही रिजल्ट आया, तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ एक झलक मैं आपको दिखा दूं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज क्वार्टर टू नेट प्रॉफिट 47%, ऑब्वियसली अच्छा खासा प्रॉफिट जंप हुआ, और रेवेन्यू भी 27% के आसपास ग्रोथ हुआ। मैं पहले ही बोल चुका था कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर अच्छा खासा एक धमाका परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूं तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला, तो इसीलिए मैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर एज ए पॉजिटिव हूँ। और आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड। देखिए वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड इस कंपनी के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते, मैं एक चीज इस कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा, आप सब मैकडोनल्ड के बारे में जानते हैं, वो इसी का ही कंपनी है। तो सोचिए मैकडोनल्ड का प्रोडक्ट आप कितने बार किसी बहुत सारी जगह पे शायद खाए होंगे, और उसी के प्रोडक्ट इस मतलब इस लाइफ फूड ही बनाते हैं। इस कंपनी का लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला, और फाइनली आज के दिन कंपनी का रिजल्ट आ चुके हैं, तो कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है यहाँ पे कंपनी के ऊपर रिजल्ट कुछ खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला, तो नेट प्रॉफिट जो है वो ड्रॉप हो चुके हैं, मतलब 29% के आसपास ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ होने के बाद भी सिर्फ 22 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। अगर इसी के बारे में चर्चा करूं तो मैं क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखा दूं, तो देखिए कंपनी के सेल्स में तो इंक्रीजिंग देखने को मिला, और कंपनी का प्रॉफिट में देखिए 32 करोड़ से घटके कितना हो गया 22 करोड़। इसका मतलब क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी कंपनी का सेल प्रॉफिट कम हुआ, और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ। इस दोनों तरीके से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक बिग नेगेटिव वीकनेस देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना है डिसीजन आपके ऊपर है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है तो टाइम लग सकता है इसको आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है करमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। तो देखिए करमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड इसके बारे में मैं पहले बोल चुका हूं, इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस कंपनी जिस तरीके से काम किया आप देखेंगे तो 11,900% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं, और ये एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और इस कंपनी के ऊपर फाइनली जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं, तो रिजल्ट में उतना खास ग्रोथ नहीं है, नेट प्रॉफिट रेज सिर्फ 2% और रेवेन्यू का ग्रोथ देखिए 30% के आसपास प्लांग्स देखने को मिला। इसका मतलब रेवेन्यूज में कुछ वीकनेस देखने को मिला, और प्रॉफिटेबिलिटी भी उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, ये मैं पहले बोल चुका हूँ। देखिए कंपनी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंपनी है, और इसका क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं देखिए पिछले बार जो सेल्स हुआ था उससे कई गुना सेल्स कम हो चुके हैं, और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पे देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी सेम टू सेम आया। अभी क्वेश्चन आएगा सर कंपनी का सेल्स इतना कम हुआ फिर भी प्रॉफिट क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंस को मेंटेन किए, और दूसरी बात कंपनी का
जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक्स्ट्रा जो आदर्श प्रॉफिट है वो भी पॉजिटिव देखने को मिला और सेम टू सेम प्रॉफिट हुआ था। और उसी के चलते है कंपनी का जो मतलब प्रॉफिट रेशियोस है वो सेम टू सेम देखने को मिला। तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ बहुत ब्राइट हो सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है कोलपाल। कोलपाल मतलब कोलगेट पामोलिव। तो कोलगेट पामोलिव लिमिटेड जो है ये एक ऐसा कंपनी है, देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि कोलगेट एक ऐसा कंपनी है जिसके बारे में हर किसी को फोकस रखना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर मैं 10 घरों तक जाऊं तो 10 घरों में आपको 8 घर तक में आपको कोलगेट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका बिजनेस स्ट्रेटेजी अलग है और कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेके देखिए किस तरीके से परफॉर्मेंस है, करीबन 2000% के आसपास रिटर्न दिया। हाँ, इस कंपनी ऐसे नहीं कि रॉकेट की तरह भागेगा, धीरे धीरे करके वो अप 10 तक जा सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर फाइनली यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, आप देखेंगे कंपनी क्वार्टरली क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो नेट प्रॉफिट है 22% और बोर्ड ने एक बहुत बड़ा डिक्लाइन कर चुके हैं इंटरिम डिविडेंड देने के लिए। कंपनी आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी देने वाला है और डिविडेंड का अभी डेट और कितना डिविडेंड देंगे उसका फाइनली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो जब फाइनली अनाउंसमेंट हो जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और वीडियो में ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ एज ए एजुकेशन पर्पज में शेयर किया हूँ। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिले और जानकारी अगर आपको अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।